हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये नीचे आपको टर्म्स दी गई है, इनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो, ए पोर्शन में आपको तीन टर्म्स दी गई है। फर्स्ट 2x², सेकंड 4x और थर्ड आपकी 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों टर्म्स का फैक्टर करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म लेते हैं 2x². अब इसका मैं फैक्टर करता हूं। सबसे पहले 2 है तो 2 को कॉपी कर दो, इनटू में x² के फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स इंटू एक्स। अब नेक्स्ट आपको लेना है 4x, तो 4x के भी फैक्टर कर दो। सबसे पहले आप ये जो 4 कांस्टेंट है ना, इसके फैक्टर्स करेंगे। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2, और इनटू में x है तो x, फिर आपके पास है 4, 4 के फैक्टर कर दो 2 × 2। अब इन तीनों का फैक्टर्स करने के बाद आपको क्या करना है, कॉमन देखना है तीनों में। देखो, एचसीएफ का मतलब ही होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन तीनों में हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली फॉर 2 है। ठीक है ना, तीनों में 2 आ रहा है, बाकी कोई भी चीज तीनों में कॉमन नहीं आ रही है, तो इन तीनों टर्म्स का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। तो देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। देखो, बी पोर्शन की मैं फर्स्ट टर्म लेता हूं, क्या है, 16x³। तो सबसे पहले आप 16x³ के फैक्टर्स करेंगे। देखो, 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16। अब x³ के कर दो, x × x × x। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म दे रखिए आपको −4x³। तो सबसे पहले आप −4 के फैक्टर करेंगे, तो −2 × 2, −4 हो गया। उसके बाद आपके पास x³ है, तो इसके फैक्टर कर दो x × x × x। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपको दिया गया है 28x। तो सबसे पहले हम 28 के फैक्टर्स करेंगे। 28 के फैक्टर होंगे 2 × 2, 2 × 4, 4 × 7 = 28। एक्स सिंगल है तो इनटू में एक्स लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में कॉमन देखना है क्या आ रहा है। देखो, इन तीनों में एक तो 2 कॉमन आ गया, ठीक है, फिर से आपका 2 कॉमन आ गया, ठीक है, और क्या कॉमन है, एक्स आ रहा है तीनों में, ठीक है, और कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं है, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 2 × 2 × x, दैट इज 2 × 4x। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। देखिए, सी पोर्शन में फर्स्ट टर्म दी गई है 4ab, इसके फैक्टर कर लो आप। 4 के फैक्टर होंगे 2 × 2, a × b, ठीक है, फिर सेकंड टर्म दे रखी आपको 2/8 a²b। देखो, 2/8 को आप 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 8 कट गया 4 टाइम, तो 2/8 को मैं लिख दूंगा 1/4। अब इसके फैक्टर करते हैं, 1/4 के फैक्टर क्या होंगे, 1/2 × 1/2, फिर a² के फैक्टर a × a, b सिंगल है तो इनटू में b। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन एक तो a आ गया, दूसरा आपका b आ गया, तो a भी इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ab। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अब इसका लास्ट d पोर्शन लेते हैं। देखिए, d पोर्शन की फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, 8x² y², इसके फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले हम 8 का फैक्टर करेंगे,
तो 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। फिर x स्क्वायर के फैक्टर करेंगे, x इंटू x, फिर y स्क्वायर के y इंटू y। अब नेक्स्ट टर्म दी गई है आपको 1 अपॉन 16 x स्क्वायर इंटू y। पहले कॉन्स्टेंट के फैक्टर करते हैं 1 अपॉन 16 के, 1 अपॉन 16 के फैक्टर होंगे 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। देखो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 1 अपॉन 16 हो गया। अब x स्क्वायर के फैक्टर कर लो, x इंटू x, y सिंगल है तो मल्टीप्लाई में y लगा दो। अब लास्ट टर्म दी गई है 24xy। सबसे पहले आप 24 के फैक्टर्स करेंगे, देखो 24 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, इंटू में x सिंगल है तो x, y भी सिंगल है तो y। अब इन तीनों में देख लो कॉमन क्या चीज है। देखो 2 तो तीनों में है नहीं, उसके बाद 3 भी नहीं है, x है इसमें, x है इसमें, x है इसमें, x है, दूसरा तीनों में y भी है, तो इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा x इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई। तो देर फोर एचसीएफ इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके हमें फैक्टर्स करने हैं। ओके, ए पोर्शन देखिए स्टूडेंट, ए पोर्शन में दिया गया है 9a-45। आप देखो इसके फैक्टर्स आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 9a के फैक्टर करेंगे, 9 के क्रॉस सबसे पहले 3 इंटू 3, उसके बाद a है तो a, माइनस 45। अगर 45 के डायरेक्ट फैक्टर नहीं आते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 45 में सबसे पहले 3 का डिवाइड करेंगे 15 टाइम चला जाएगा, अगेन 3 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम, इस तरीके से भी आप फैक्टर कर सकते हैं। तो आपके पास 45 के फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है उसको कॉमन ले लो। देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें 3, इसमें 3, तो आप 9 को कॉमन लेंगे, जब आप 9 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a, माइनस का यहां बचेगा 5। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब b पोर्शन को लेते हैं, देखिए b पोर्शन में दिया है 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 एक्स। सबसे पहले हम 1 बाई 4 के फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। अब एक्स स्क्वायर के कर दो x इंटू एक्स, प्लस में ये कॉपी कर दो क्योंकि इसके फैक्टर यही आ जाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है उसको कॉमन ले लो। देखो इसमें 1 बाई 2, इसमें भी 1 बाई 2, इसमें x, इसमें भी x, तो आपने 1 बाई 2 इंटू एक्स कॉमन लिया तो आगे बच गया 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस, इस कंप्लीट को कॉमन लिया तो प्लस का 1 बच गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। देखिए सी पोर्शन में दिया है माइनस का 26x² प्लस 18x³। सबसे पहले माइनस 26 के फैक्टर करेंगे तो माइनस 2 इंटू 13, 26 के हो गए, एक्स स्क्वायर का x इंटू एक्स प्लस 18 के फैक्टर कर लो 2 इंटू 3 इंटू 3, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो साइड में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब के फैक्टर हो जाएंगे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या है उसको कॉमन ले लो, इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें आपका 13 है, 3 नहीं है, इसमें x, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, तो इन दोनों में से हमने 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, पहले पॉजिटिव को लिख देता हूं, 3 इंटू 3 9 इंटू एक्स 9x, और इसमें ओनली 4 आपका बच गया माइनस का 13, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट डी पोर्शन को लेते हैं,
डी पोर्शन में दिया है टेन एक्स स्क्वेयर माइनस का 15 वाई स्क्वेयर माइनस का 25 जेड स्क्वेयर। अब इनके फैक्टर मैं डायरेक्टली देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर का x इंटू एक्स, फिर माइनस 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, और वाई स्क्वेयर का y इंटू वाई, फिर माइनस 25 का 5 इंटू 5, और जेड स्क्वेयर का z इंटू जेड। अब इन तीनों में कॉमन क्या है वो कॉमन ले लो। देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, और कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है तो 5 को कॉमन ले लो। तो जब 5 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस का 3 इंटू वाई स्क्वेयर और माइनस का 5 इंटू जेड स्क्वेयर, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसको आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट मैं ई पोर्शन को कर लेता हूं। देखो यहां कर लेते हैं ई पोर्शन को। ई पोर्शन में आपको दिया है 7 इंटू जेड स्क्वेयर प्लस का 1, फिर माइनस वाई जेड स्क्वेयर प्लस 1। अब इसमें तो आपको फैक्टर करने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल इजी है। दोनों में कॉमन क्या है, जेड स्क्वेयर प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में से हमने जेड स्क्वेयर प्लस 1 को कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा 7 आगे माइनस का वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एफ पोर्शन लेता हूं, इसको नोट कर ले। अब देखिए स्टूडेंट एफ पोर्शन में क्या दिया है आपको, हमें एफ पोर्शन में दिया है ए क्यूब बी सी प्लस में ए बी क्यूब सी और प्लस ए बी सी क्यूब। अब इसमें आप फैक्टर मत करो, आपको पता लग गया कि तीनों में ए बी सी है उसको कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो ए बी सी को कॉमन लिया ना तो इसमें तो बचेगा ए स्क्वेयर, फिर प्लस इसमें क्या बचेगा आपका बी स्क्वेयर और आगे वाले में सी स्क्वेयर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एफ के बाद हम लेते हैं जी पोर्शन को, ठीक है। देखो जी पोर्शन में आपको दिया गया है 3x² y प्लस 4xy² प्लस 5xyz। देखो यहां 3 यहां 4 5 इनमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी तो इसको छेड़ना ही नहीं है। इसमें x है, इसमें x, इसमें x, तो एक तो x को कॉमन ले लेंगे, इसमें भी y, इसमें भी y और इसमें भी y, यानी कि इन तीन टर्म्स में से सिर्फ एक्स वाई कॉमन है तो आप डायरेक्ट ही कॉमन ले लो। एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 3x, एक्स वाई कॉमन लिया तो यहां बचेगा 4y, और एक्स वाई कॉमन लिया तो यहां बच गया 5z, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब z के बाद मैं इसका h पोर्शन लेता हूं। देखो h पोर्शन भी इजी है, माइनस 3x अपॉन y और प्लस वाई स्क्वेयर एक्स अपॉन वाई, फैक्टर करो ही मत इसमें, एक काम करो। देखो इसमें एक्स अपॉन वाई है, इसमें भी एक्स अपॉन वाई है, दोनों में कॉमन दिखा इसी को कॉमन ले लो। तो एक्स अपॉन वाई को कॉमन ले लेंगे ना, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो वाई स्क्वेयर को लिख दूंगा और यहां बच गया आपका माइनस का 3, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट इसका आई पोर्शन लेते हैं। आई पोर्शन भी बिल्कुल इजी है, x इंटू जेड स्क्वेयर माइनस वाई प्लस में वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई, फैक्टर करने की आपको जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसमें जेड स्क्वेयर माइनस वाई है, इसमें भी जेड स्क्वेयर माइनस वाई, दोनों में कॉमन है कॉमन ही ले लो। जेड स्क्वेयर माइनस वाई को कॉमन लिया तो यहां बच गया x, आगे बच गया आपका वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रीग्रुप एंड फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनका हमें रीग्रुप करना है और उसके बाद हमें फैक्टराइज करना है, ओके। ए पोर्शन, ए पोर्शन में दिया गया है ए एक्स माइनस 2a माइनस 2b प्लस bx। तो सबसे पहले हम एक बात को समझते हैं कि रीग्रुपिंग मेथड कब अप्लाई करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन मिलती है और उस एक्सप्रेशन में आप डायरेक्ट या पूरी एक्सप्रेशन में कोई भी चीज कॉमन नहीं ले सकते, तो उस कंडीशन में हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद हम कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना है ग्रुपिंग। कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट टर्म में एक्स है और लास्ट टर्म में एक्स है, तो इन दो टर्म्स का हम ग्रुप बना लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, एक ग्रुप बन गया। बाकी बच गया, ये ग्रुप अपने आप बन जाएगा, तो माइनस का 2a और माइनस का 2b। अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो ये साइन आ जाएगा प्लस का। प्लस का क्यों आएगा? कि जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं कॉमन। इन दो में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा a प्लस बी। अब इन दो में क्या कॉमन है? 2, तो माइनस 2 ऑफ a प्लस बी। अब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में देखो, a प्लस बी कॉमन है, इसमें भी a प्लस बी, इसमें भी a प्लस बी, तो a प्लस बी को मैं कॉमन लूंगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहां बचेगा x और यहां बचेगा माइनस का 2। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है श्योर। अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। आपको बी पोर्शन में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का 9a प्लस 9b। सबसे पहले हम करेंगे ग्रुपिंग। मैं इन दो का ग्रुप बना लेता हूं और इन दो का ग्रुप बना लेता हूं, ठीक है। अब लेंगे कॉमन। इन दो में क्या कॉमन है? a कॉमन है, a को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a, आगे बच जाएगा आपका b। अब इन दो में क्या कॉमन है? 9, तो 9 को कॉमन लिया तो ये आ गया a प्लस बी। अब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? a प्लस बी। देखो, यहां भी a प्लस बी, यहां भी a प्लस बी, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा? इस साइड से a और आगे बच गया प्लस का 9। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में आपको दिया गया है 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस का 6। सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे। देखो, मैं इन दो का ग्रुप बना देता हूं और इन दो का, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा और 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा। तो इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें y है और इसमें y है, तो मैं 2y को कॉमन ले लेता हूं। तो 2y को कॉमन लूंगा ना, तो यहां बचेगा आपका 3 और x, और आपने 2y को कॉमन लिया तो आगे बच गया माइनस का 2, ठीक है। फिर माइनस, अब इन दो में देखो क्या कॉमन आएगा? 9 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 3, 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, और कुछ कॉमन है? नहीं है, तो 3 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3x, आगे बचेगा, सॉरी यहां माइनस आता, यहां आगे बच जाएगा माइनस का 2, ठीक है ना। माइनस क्यों आएगा? जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? 3x माइनस 2, ठीक है ना, इसको कॉमन ले लो। जब इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? यहां तो बच जाएगा 2y, आगे माइनस का 3। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। अब नेक्स्ट मैं डी पोर्शन को लेता हूं। डी पोर्शन बिल्कुल इजी है। इसमें आपको दिया गया है वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे, तो हम इन दो का ग्रुप बना देते हैं और इन दो का। अब फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर। जब वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा वाई और आगे बचेगा प्लस का 1। इन दो में देखो क्या कॉमन ले सकते हैं आप? 1 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आपके पास बचेगा y प्लस 1। अब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? y प्लस 1, इसको कॉमन ले लो, तो इस साइड से बच जाएगा y स्क्वायर, आगे बचेगा प्लस का 1। ये इसका आंसर हो गया, क्लियर है। अब इसका लास्ट e पोर्शन लेते हैं। e पोर्शन में दिया है a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी प्लस 5a माइनस का 5b। सबसे पहले बनाएंगे ग्रुप।
तो इन दो का बना देते हैं, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी एक ग्रुप, और बाकी बच गया ये आपका है ही दूसरा ग्रुप। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यह बचेगा ए, आगे बचेगा माइनस का बी, और इन दो में आप फाई को कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी। अब कंप्लीट एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, ए माइनस बी, तो यहां क्या बचेगा ए स्क्वायर आगे प्लस का फाइव, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।